Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing about the subject of EDC, that is electronic devices and circuits, and today's topic of discussion is RC differentiator circuit and RL differentiator circuit. Okay, so as in the previous lecture we have discussed about the RL एंड आर सी इंटीग्रेटर सर्किट, तो उसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से आपका जो इनपुट सिग्नल है और किस तरह से जो आपका आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट के साथ इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर रिलेटेड है. तो आज हम जो सर्किट करेंगे वो भी आर सी सर्किट ही यूज कर रहा है, बट जैसे इंटीग्रेटर सर्किट के अंदर हमारा जो सर्किट था उसमें हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस को हम इनपुट दे रहे थे और कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे थे. तो जो डिफरेंशिएटर सर्किट है, एज वी ऑल नो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर ऑपोजिटली इन रिलेशन विद ईच अदर, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैपेसिटर को इनपुट देंगे और रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे. तो वो जो हमारा सर्किट है, वो जो हमारा नेटवर्क बनेगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जैसे हमने पिछली बार देखा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे सर्किट की हेल्प से, आर और सी सर्किट आप इस तरह से वर्क कर रहे थे आपके लिए कि वो एक इंटीग्रेटर का प्रोसेस बना रहे थे. अब ये जो सर्किट है वो एक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बनाएगा. तो जैसे कि अगर हम इनपुट पे दे रहे हैं साइन थीटा तो आउटपुट पे हमें मिलेगा कॉस थीटा, अगर हम इनपुट पे दे रहे हैं कॉस थीटा तो आउटपुट पे हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा, राइट. तो डिफरेंशिएशन जो है वो इसमें परफॉर्म होगी. तो फॉर अ पैसिव आरसी डिफरेंशिएशन सर्किट की हम बात करें तो इनपुट जो है वो कैपेसिटर को लेंगे, कैपेसिटर को देंगे और आउटपुट जो है इट विल टेक अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है. वो ऑपोजिट होगा एग्जैक्टली लाइक द इंटीग्रेटर सर्किट मैंने पहले बताया, राइट. तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो ऑब्वियसली फिर दोबारा से उस पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है जो रिएक्टेंस है इन सीरीज विद द फिक्स्ड रेजिस्टेंस. तो जस्ट लाइक इंटीग्रेटर सर्किट, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे भी आरसी टाइम कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रही है. दैट लो इनपुट फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस जो है एक्ससी ऑफ द कैपेसिटर इज हाई, ब्लॉकिंग एनी डीसी वोल्टेज और स्लोली वेयरिंग इनपुट सिग्नल्स. ओके, सो इसका मतलब कि जब हम लो इनपुट फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो उस पर कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो हाई होगी, डीसी कंपोनेंट्स को वो ब्लॉक करेगा और स्लोली वेरिंग इनपुट सिग्नल्स को भी ब्लॉक करेगा. लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो उसकी रिएक्टेंस जो है वो लो होगी, तो उस टाइम पे वो वेरिंग पल्सेस जो हैं उनको डायरेक्टली पास कर देगा टू द आउटपुट साइड, राइट. तो दैट मींस कि जो आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट है वो एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, राइट. तो जो पहले था वो एक लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा था जैसे हमारा जो इंटीग्रेटर सर्किट था, लेकिन जो डिफरेंशिएटर सर्किट है वो एक हाई पास सर्किट की तरह वर्क करता है. दिस इज बिकॉज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लेस द आउटपुट, राइट. And lower the frequency, the less output. Okay, so for a given time constant, जो हमने time constant दिया गया है, as the frequency of the input pulse जैसे increase करती है, output pulses more and more resembles the input pulses in shape, right? तो जब हम एक pure sine wave RC integrator circuit को, differentiator circuit को, sorry, pass करते हैं, तो एक simple passive high pass filter की तरह ये work करता है because of the reactance. इसकी reactance जो है capacitive reactance 1/2πfc है. तो जैसे जैसे frequency जो है वो बढ़ेगी, इसकी reactance जो है वो लो होगी, राइट. तो लो रिएक्टेंस होगी तो मतलब सारा का सारा सिग्नल जो है वो आउटपुट पे पास ऑन कर जाएगा, राइट. तो लो फ्रीक्वेंसीज पे इट विल प्रोवाइड हाई रिएक्टेंस, तो हाई रिएक्टेंस देगा तो आपका सिग्नल जो है वहां पे लेवल लो होगा. दैट मींस कि इस सर्किट के अंदर आपका जो इनपुट सिग्नल है अगर वो एक साइड पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वी विल टेक अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है. तो रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग जो आउटपुट लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम करंट की बात करें कैपेसिटर की, जो हमें पता है डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है, क्यू की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं सी डी वी सी बाई डी टी के बराबर होती है. तो सी को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे
आपका जो ये सी जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे तो डी वी सी बाई डी टी, और वी सी जो है वो वी इन के बराबर है, क्योंकि जितनी वोल्टेज हम इनपुट पे दे रहे हैं उतनी ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ रही है, तो आई सी टी की जो आई सी टी है वो किसके बराबर हो गया, सी वी डी वी सी बाय डी वी एन डी वी इन बाय डी टी के बराबर हो गया। तो अगर हम वी आउट की बात करें तो वी आउट किसके बराबर है, वी आर के बराबर, क्यों, क्योंकि आउटपुट जो है हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो वी आर है वो किसके बराबर है, आर इन टू आई आर के बराबर है, यानी कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट, राइट, दैट इज अक्रॉस द रेजिस्टर जो करंट फ्लो कर रहा है। आई सी सी डी वी इन बाई डी टी के बराबर है, और वी आर आर डी आई आर इन टू आई आर के बराबर है, राइट। और अगर हम ये सोचें कि जितना भी करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही सेम करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स आई आर और आर सी इक्वल हो गए, तो आई आर की जगह अगर हम आई सी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा वी आउट जो है वो बन गया आर सी इंटू डी वी इन बाय डी टी। दैट मीन्स कि आर सी टाइम कॉन्स्टेंट और वोल्टेज जो इनपुट पे है उसका डेरिवेटिव विल बी एट द आउटपुट, सो दिस बिकम्स द डिफरेंशिएटर फॉर्मूला, सो दैट देन वी कैन सी द आउटपुट वोल्टेज जो वी आउट है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन, और इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो आउटपुट आएगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर इन टू सी ऑफ द सीरीज नेटवर्क, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये अगर हम देखें इनपुट सिग्नल, अगर हम स्क्वायर वेव सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएटर सर्किट को, आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट को, राइट, तो टी ऑन और टी ऑफ टाइम इक्वल है, 50-50% ड्यूटी साइकिल है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इस तरह से चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर जितने टाइम के लिए वोल्टेज उसको आ रही है उतने टाइम के लिए वो चार्ज हो रहा है रेगुलरली, और उसके बाद वो लोअर टाइम हो रहा है, जब इनपुट नहीं आ रही है तो उस टाइम पे वो नेगेटिव साइड के ऊपर है, राइट। तो इसी तरह से अगर हम उसकी बात करते हैं कि 1 RC है, तो इसी तरह से कुछ आउटपुट आएगी, अगर 0.5 RC होगा, मतलब उसको 50% टाइम पीरियड कर दिया उसका, ठीक है, तो इस तरह से कुछ आउटपुट, अगर अगर 0.1 RC अगर हम लोग ले रहे हैं टाइम कांस्टेंट, तो इट विल गिव यू स्पाइक्स, तो इस तरह से आपका सिग्नल जो है आउटपुट पे आएगा। तो डिफरेंशिएटर सर्किट क्या कर रहा है, आपके स्क्वायर वेव सिग्नल को स्पाइक्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसी तरह से वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, आपका जो स्क्वायर वेव सॉरी जो आपका इंटीग्रेटर सर्किट है या जो आपका डिफरेंशिएटर सर्किट है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आपका डिफरेंशिएटर सर्किट। अगर हम इसे ट्रायंगुलर वेव इनपुट पे देंगे डिफरेंशिएटर सर्किट को, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्क्वायर वेव आउटपुट प्रोवाइड करेगा विद द एक्शन ऑफ योर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, राइट। तो नाउ अगर हम बात करते हैं आर एल डिफरेंशिएटर सर्किट्स की, के मतलब जो डिफरेंशिएटर सर्किट है जिसमें अगर हम आर सी की जगह आर एल यूज कर रहे हैं, यानी कि एल और आर का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो इफ यू रिमेम्बर तो इंटीग्रेटर सर्किट के अंदर हमने उल्टा किया था, यहाँ पे एल लगाया था और यहाँ पे आर, तो वो एक इंटीग्रेटर सर्किट की तरह वर्क कर रहा था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ इनपुट सीरीज में हमने क्या लगाया है, आर, और जहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करनी है, आउटपुट चेक करनी है, आउटपुट हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग आउटपुट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो काम इसका भी डिफरेंशिएशन क्या का ही है, इट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट अंडर सर्टेन कंडीशंस, राइट, डेरिवेटिव ऑफ द चेंज ऑफ इनपुट्स, राइट। तो ये बेसिक आर एल डिफरेंशिएटर सर्किट है जिसमें आर के अक्रॉस हम लोग इनपुट दे रहे हैं, आर को इनपुट दे रहे हैं, और इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी एक पल्स जनरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे टू द इनपुट ऑफ द आर एल डिफरेंशिएटर सर्किट, तो जो इंडक्टर होगा इट हैज अ वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होगी, दैट विल अपोज द सोर्स, तो इनिशियली कोई भी करंट वहां पे फ्लो नहीं करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो इसी तरह से आपका सिग्नल जो है वो इनिशियली वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। देन आफ्टर द इनिशियल स्टेज हैज पास्ड, तो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएगा, इवेंचुअली राइज करेगा करंट, राइट, स्टेडी स्टेट ओम्स लॉ के रिलेटेड, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस जो आर है करंट, वो तो रेगुलरली करंट फ्लो कर, जैसे जैसे आपको वोल्टेज मिल रही है वैसे वैसे इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करते चला जा रहा है, लेकिन जो इंडक्टर है
वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल राइज कर रहा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसका जो उसके अंदर से जो करंट है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ से करंट इंक्रीज कर रहा है, एंड इट विल अपोज द चेंजेस, जो भी चेंज इसके अंदर आएगा वो उसको अपोज करेगा. तो जिस वजह से एक बार एक्सपोनेंशियल राइज होने के बाद इट विल रिड्यूस द करंट. सो दिस वॉज अबाउट द आर एल डिफरेंशिएटर सर्किट. तो वी कैन सी द डिफरेंस इन द the similarity, sorry, in the RC differentiator circuit output or the RL. यहाँ पे भी जब हम square wave provide करें तो output में हमें spikes मिल रही थी. RC circuit के अंदर, RL circuit के अंदर भी जब हम square wave signal provide कर रहे हैं तो we are getting the spikes. तो किसी भी तरीके से कोई भी format use करके हम अपना differentiator और integrator circuit जो है उनको design कर सकते हैं. तो when we talk about the differentiator circuit, we can make it with the help of RC also, and we can make it with the help of RL also. तो इसी तरह से अगर हम next falling edge की बात करें, तो the next falling edge of the pulse जो है, it causes a negative voltage to be induced across the capacitor. ठीक है, तो अगर हम जब हम positive edge की बात कर रहे हैं, positive side की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपके resistance के across current flow कर रहा है, और वो resistance के across जो current flow कर रहा है वो inductor के अंदर जा रहा है. inductor जो है वो oppose करता है किसी भी change को. initially जो current है वो zero होगा, then after वो exponentially rise होगा जब वो constant है. whenever the current is constant, तो inductor के अंदर क्या होगा, एक exponential rise होगा, and then after वो slowly fall down करना start कर देगा. फिर उसके बाद जब negative pulse आती है, फिर negative constant होता है, तो फिर negative cycle पे भी क्या होगा, फिर दोबारा से आपका जो signal है, output जो है वो decrease करेगी. initially वो reduce करेगी, और फिर उसके बाद exponentially rise करना start करेगी. यहाँ पे वो सबसे पहले इंक्रीज करेगी, जैसे ही आपका सिग्नल आएगा वैसे ही आपकी पल्स आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगी, और जब वो कांस्टेंट रहेगा तो क्योंकि ये कांस्टेंट को पास करता है तो वो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. जब नेगेटिव पल्स आएगी, नेगेटिव साइड आएगा, तो नेगेटिव साइड पे वो एक बार एक इनिशियली एक बार वो रिड्यूस करेगी, जो सिग्नल है वो रिड्यूस करेगी, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव सिग्नल है, राइट. तो फिर जब वो नेगेटिव कांस्टेंट में रहेगा तो वो एक्सपोनेंशियली राइज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर का काम है जो सोर्स उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उसको अपोज करना, राइट. तो जब वो पॉजिटिवली स्टेबल है तो वो रिड्यूस कर रहा है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस कर रहा है. जब वो नेगेटिवली स्टेबल है तो वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है. इट अपोजेस द चेंजेस इन द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट, राइट. जैसे लेंजेस लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके अंदर वो क्या कहता है कि इट विल अपोज द चेंज, राइट. इट विल अपोज द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट, जो उसके अंदर इंडक्टर के अंदर जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट विल अपोज द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट, राइट. तो इसी तरीके से जो इसके अंदर जो हमारा टाइम डिले है वो एल बाय आर के बराबर होगा. जैसे हम लोग टाइम कांस्टेंट ले रहे थे, आरसी इनटू सी ले रहे थे, यहाँ पे वो एल डिवाइडेड बाय आर होगा जो टाइम कांस्टेंट होगा. तो फॉलिंग एज ऑफ द पल्स पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगी, करंट जो है वो रिड्यूस करेगा, एज द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कलैप्स होगी, तो आपका करंट जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट होगा. जो आर है उसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है अक्रॉस द आर, इट डिक्रीजेज एज द करंट डिक्रीजेस. तो जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स लॉ की तरह वर्क करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है कि जैसे उसमें वोल्टेज आएगी वैसे उसमें करंट आएगा. वी इज इक्वल्स टू आई आर का जो रेशो है उसने वो फॉलो करना है. लेकिन जो इंडक्टर है उसका प्रोसेस ऑफ वर्किंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपेरिजन विद द रेजिस्टेंस, राइट. तो एन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का क्या काम है, इट इज टू जनरेट द टाइम डिले. तो वो डिले जनरेट करता है. तो वोल्टेज एट बी वो राइज करती है, जो बी पॉइंट है आपका उस पे, यहाँ पे जो है ए और बी पॉइंट है, ठीक है. तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है इस पे जो वोल्टेज है वो राइज कर रही है एज द कैपेसिटर चार्जेस अंटिल थ्रेशोल्ड सर्किट डिटेक्ट्स एंड द कैपेसिटर हैज रीच्ड अ प्री डिटरमाइंड लेवल. तो वोल्टेज जो है वो तब तक राइज करती है एज द कैपेसिटर जब तक वो चार्ज होता रहता है. अगर हम कैपेसिटर आरसी सर्किट की बात करें तो वोल्टेज जो है वो राइज करती है जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहता है. और वो चार्ज कितने पॉइंट तक होता है, जब तक वो अपनी मैक्सिमम लेवल यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता.
एंड दैट द कैपेसिटर हैज रीच्ड अ प्री डिटरमाइंड लेवल. तो उसका जो प्री डिटरमाइंड लेवल होता है उस पर जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहता है, राइट. इस तरह से वो वर्क करता है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर सी एंड आर एल डिफरेंशिएटर सर्किट्स जो है हमारे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट वे में वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा जो था आर सी और आर एल इंटीग्रेटर सर्किट्स वर्क कर रहे थे. कॉम्पोनेंट्स सेम है लेकिन उनको लगाने का, उनसे अपना काम करवाने का जो तरीका है, जो वे है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अब वो तरीका अगर डिफरेंट होगा तभी आपका सर्किट जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा. हम जैसे हम एम्पलीफायर सर्किट्स की बात करते हैं, ऑसिलेटर सर्किट्स की बात करते हैं, तो सारे सर्किट्स में अगर आप ध्यान से देखो तो जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है. हर एक सर्किट के अंदर उसी कंपोनेंट्स के साथ, उसी ट्रांजिस्टर के साथ, उसी रेजिस्टेंस के पेयर्स के साथ, उन्हीं आर ई सी ई आर सी आर वन आर टू स्टेबलाइजेशन बायसिंग एवरीथिंग इज सेम. बट उनको जो लगाने का तरीका है थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं तो उस सर्किट की वर्किंग जो है वो चेंज हो जाती है. अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं तो वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है, अगर हम उसे पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है, अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में लगा रहे हैं तो वो अलग तरीके से काम कर रहा है, वो अपने अंदर से एसी सिग्नल को पास होने दे रहा है और अपने वो डीसी सिग्नल्स को स्टॉप कर रहा है, अगर वो जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है और जो स्टेबिलिटीज हैं उनको रोक रहा है वहां पे, राइट. और अगर हम उसे ही पैरेलल साइड पे लगा देते हैं, अगर हम उसे हम शंट में लगा देते हैं अपने आउटपुट के अक्रॉस, तो वो क्या कर रहा है, तो वो एसी सिग्नल्स को ग्राउंड में सेंड कर रहा है और वो डीसी सिग्नल्स को अपने पास रख रहा है, जो स्टेबिलिटीज हैं उनको अपने पास रख रहा है, उनकी वजह से वो चार्ज हो रहा है और जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो ग्राउंड में सेंड करता जा रहा है. तो काम जो आपका कॉम्पोनेंट है वो वही है, उसी तरीके से है, उसका काम नहीं चेंज हो रहा है. उसने एसी को पास करना है तो करना है, उसने डीसी को स्टॉप करना है तो करना है, लेकिन उसको आप लगा किस तरीके से रहे हो, आप उसको यूज किस तरह से कर रहे हो अपने सर्किट के अंदर, दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर सर्किट. अब आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेटर सर्किट्स के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएटर सर्किट्स के बारे में पढ़ा. दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सिर्फ दो कंपोनेंट्स यूज किए या तीन कंपोनेंट्स यूज किए दो दो की कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट. आर और सी का कॉम्बिनेशन यूज किया, आर और एल का कॉम्बिनेशन यूज किया. वही कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटर सर्किट बना रहा है, वही कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएटर सर्किट बना रहा है, लेकिन उन कॉम्पोनेंट्स को लगाने का तरीका क्या है, ऑपोजिट. तो अगर हम उसे एक तरीके से लगाते हैं, L को सीरीज में लगाते हैं, R को शंट में लगाते हैं, तो वो डिफरेंशिएटर सर्किट इंटीग्रेटर सर्किट का काम कर रहा है. R को सीरीज में लगा रहे हैं, L को शंट में लगा रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएटर सर्किट का काम कर रहा है. C को शंट में लगा रहे हैं, सॉरी C को जब हम सीरीज में लगा रहे हैं और R को हम पैरेलल में लगा रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएटर सर्किट का काम कर रहा है. आर के अक्रॉस आर को हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और सी के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटर सर्किट का काम कर रहा है. तो वही कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर कि उन्हें यूज किस तरीके से करना है ताकि वो आपका आपके हिसाब से जो सर्किट है वो आपके हिसाब से वर्क कर सके. अगर आप चाहते हो इंटीग्रेटर की तरह वर्क करे तो आपको कंपोनेंट्स को लगाने का तरीका याद रखना पड़ेगा कि कंपोनेंट कहाँ लगाना है. एक का तरीका याद कर लो, दूसरे वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा. अगर आप आरसी और आरएल इंटीग्रेटर को याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम डिफरेंशिएटर सर्किट बनाना है तो इससे ऑपोजिट साइड पे मतलब रिप्लेस कर देना है उन कंपोनेंट्स को, एल और आर को रिप्लेस कर देना है, आर और सी को रिप्लेस कर देना है आपस में, तो वो डिफरेंशिएटर बन जाएंगे. ठीक है, कोई एक सर्किट जो आपको इजी लगता है उसको आप याद कर लो. और ये जो सर्किट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेव शेप्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स देते हैं. हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्क्वायर वेव्स की, स्क्वायर वेव्स के हिसाब से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, डिफरेंशिएटर किस तरह से वर्क कर रहा है. जब आप इसको कोई और सिग्नल प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर वेव प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल साइन वेव प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल डीसी सिग्नल प्रोवाइड करोगे, तो डिपेंडिंग अपॉन दोज सिग्नल्स जो इनकी आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी.
but the circuit will respond exactly like an integrator circuit and exactly like a differentiator circuit. और वो चीज़ हम लोग prove कर चुके हैं mathematically कि किस तरह से आपका ये जो circuit है वो integrator की तरह और differentiator की तरह work कर रहा है, right? So this was all about today's lecture. So I wish it is all clear to you. If still there will be any doubt, well, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care. Bye bye. Thank you.